भाजपा सरकार से हाथ जोड़े। अब ये सरकार नहीं चाहिए साहब, छिले 27 बरस से राज कर रही है, ये आपके सामने विकास है, वो बोलते विकास है, ये विकास गांडा हुआ, ऐसा गांडा हुआ। 8-8 हजार 9-9 हजार के फ्लाइट जेट पे अकेले आप घूम रहे हो, ये क्या सेवा, ऐसी कैसी सेवा? ऐसा लिखना है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं तो मेरा हाथ से लिख लूंगा, क्योंकि सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी है, राजा वो है साहब, कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी सरकार जो है ना वो गलत हो रहा है, गुजरात मॉडल दिखाया है, वो सिर्फ पेपर में एडवर्टाइज थी। लेने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं मीटर पे, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो इनसे 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए। सरकार पूरी भ्रष्टाचार सरकार, सरकार ने पूरा इंडिया को हैक करके रखा हुआ है, इतनी 130 करोड़ की जनता ही है, पूरा रिमोट भाजपा सरकार के हाथ में। ऐसा बोलता है वो कुछ भी कर सकते हैं, साफ करवाया या तो स्वच्छ भारत ऐसा बोल रहा है। इनके समस्याएं आपने देखी है, आप बताइए आपकी क्या समस्या इस बार चुनाव का माहौल है। सब जी ये क्या है, मैं जब भी यहाँ मेरे दोस्त के वहाँ आता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं गंदगी में आ गया हूँ, जब आता हूँ ना उपके होते हैं, समझ लो मेरी बात। आप भी आओगे, सुबह आओगे, जब मालूम पड़ेगा, जब आपको यहाँ पानी भरा हुआ लगेगा और कीचड़ दिखेगा ना, तो आपको भी उपका आएगा, समझ लो। इतना बड़ा हालत हो गया है ना यहाँ पे, आप एक बार जो ये पकवान रेस्टोरेंट के पास है ना, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ इतना स्वच्छ है, वहाँ पे आप लोग पूरे देश में स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उसका असर यहाँ नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? वो तो सरकारी गलती है ना दादा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, सब होना चाहिए, और सरकार को भी हैंडल करना चाहिए, मदद करना चाहिए, अगर मदद करेगी तो आएगी तो हम ये लोग सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग है ना देखो बारिश में ना बहुत खराब हालत हो जाती है उन लोगों की, मच्छर काटते हैं ना, तब मलेरिया सब होता है, तब कहाँ जाते वो जाते हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल थोड़ी जाना चाहिए इन लोगों का, उनके लोग अच्छा भी चाहिए ना, परिवार चाहिए, अच्छा सुखी स्वास्थ्य चाहिए ना, ये लोग नहीं करते, गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है तो लगातार 27 साल से सरकार कैसे जीत रही है? सरकार है ना बहुत गलत बात है, ये अभी सरकार जो है ना वो गलत है, मीन्स अच्छा नहीं कर रही है, जो लोग डीम लोग है, मीन्स जो गरीब लोग है उनका प्रेफरेंस नहीं दे रही है, उनको प्रेफरेंस चाहिए, जो गरीब लोग है उनको चाहिए, पैसे वाले को नहीं चाहिए। आप अभी जो वीडियो उतार रहे हो वो बराबर है, पर वो बड़े लोगों का है ना प्रॉब्लम है, गरीब लोगों को क्या हुआ, क्या होगा? अभी इलेक्शन आया तो आप आ गए, उन लोगों का खत्म हो रहा है ना, अभी देखो तुम कभी भी जाओ। अरे चुप तो हो जाओ आंटी, बात करने को, जरा बात कर रहे हैं, रिपोर्ट हो जाएगी आपके पास। इलेक्शन के टाइम ही ये लोग देखते हैं इनको, नहीं तो बाकी दिखते नहीं है, ये लोगों गरीब लोगों का क्या करने का, तुम बताओ मेरे को गरीब लोगों का क्या करने का? अभी तुम चलो, ये इलेक्शन हो जाए, बाद में तुम आना, फिर से आना और फिर से वीडियो उतरना और बताना मेरे को क्या अपडेट हुआ है, आपको लगता है अपडेट होगा? नहीं, अब तो सरकार कहती है कि विकास के दावे करके साथ आई है, कि विकास क्या है, पूरे लोगों का विकास हुआ है, पूरे 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 छोटे छोटे लोगों का विकास हुआ है, इन्हें झोपड़ी में तो उठा करके यहाँ मकानों में बसा दिया है, डाला है, पर मकान की स्थिति कैसी है तुमने देखा? सुबह 8 बजे आ जाओ, आपको सब मिल जाएगा, देख लेंगे। फिर वो विकास जो किया था, जिसका दावा किया गया था 2014 में कि गुजरात मॉडल वो क्या था? तो वो एडवर्टाइज थी, अच्छा। मोदी की एडवर्टाइज थी, अच्छा। अभी तुमको दिख रहा है, वो एडवर्टाइज दिख रही है, अभी कोई आपको दिख रहा है, आपको कुछ लग रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है? एक बार बताइए, आप बड़े जिम्मेदार नागरिक मुझे मालूम पड़ते हैं, यहाँ जिस इलाके में हम खड़े हैं इसे श्रीलंका कहते हैं, उधर पाकिस्तान कहते हैं, कौन पाकिस्तान? ये सब तुम लोगों ने बना दिया है, पाकिस्तान हम तो पहली बार आए हैं, आप लोगों ने तो बनाया, किसी ने नहीं बनाया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, ये सब कुछ ही बनाया है, ये सब हिंदुस्तान ही है, पर सब लोगों ने क्या बना दिया है, सब पाकिस्तान नफरत की सियासत ने बनाया है, किसने बनाया है? किसी ने ना बोला नहीं है, आप है ना टेंशन मत लो, और ये ना ऐसा मत, सबको क्रॉस मत करो यार दोस्त, सब दोस्त एक ही है, सब लोग एक ही है, एक ही है, हाँ तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेरे को? सरकार ने तो ऐसी सरकार को चुनते क्यों हैं आप लोग? मैंने तो चुना ही नहीं है, मैंने तो ऑलवेज कांग्रेस को चुना है, अच्छा। आप बार में आपको चुनूंगा क्योंकि मेरा डेवलप हो रहा है, अच्छा।
क्या क्या वजह है आपको चुनने की? देखो मैं अभी किस हालत में हूँ, कैप्री में शर्ट में है। हाँ बराबर, कैप्री नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा बराबर, आगे बहुत बढ़िया प्रोग्रेस होगा, देश का बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। कौन करेगा? आप वाले ही करेंगे, ये है ना, अभी मेरे को नहीं लगता है। और मेरे को लग रहा है आप और कांग्रेस, आप है ना, आप कांग्रेस से मिली हुई है। ओके चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। स्वच्छ भारत अभियान जो है क्या यहाँ तक नहीं पहुँच पाया भारत सरकार का? स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ क्या है, पेपर वर्क करा हुआ है और मॉडल जो दिखाया है, गुजरात मॉडल दिखाया है, वो सिर्फ पेपर में दिखाया है और न्यूज़ के अंदर दिखाया है। जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ जो ऐसी बस्तियों के अंदर, ये देखिए इस तरीके से पूरी की गंदगी है, और ये आप ऊपर लीजिए कैमरा और वहाँ पर देखिए ऐसा गंदी है। ये गरीब बस्ती है जो है, जितने भी गरीब लोग हैं इनकी गरीब की कोई सुनवाई नहीं करता है। और बड़ा जो मालदार हो है, जैसे कि कोई फिल्मी इंडस्ट्रीज का हो या कोई भी हो, तो उसका तो पेट में दर्द होता है या उसको कोई मच्छर ने काट खाया तो तुरंत उसको दिखाया जाएगा, मीडिया जो उसको बताएगी। बल्कि गरीबों की जो तकलीफ है उसके बारे में कभी कोई मीडिया ने नहीं बताया। और यहाँ पे आज तक ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ये अहमदाबाद जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ की, वहाँ पे एप्लीकेशन देने जाते हैं और एप्लीकेशन के अंदर दिखते हैं कि भाई हमारे ये सब गंदगियाँ हैं, इसको साफ करो, ये सफाई वाले भैया, बाकी कोई सुनवाई करता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ के जो विधायक है, बीजेपी के विधायक है, 10 साल से कंपल्सरी और होम मिनिस्टर बने हुए हैं यहाँ के, तो होम मिनिस्टर को भी यहाँ पे अपने एरिया के अंदर आना चाहिए। कभी कोई राउंड मारने आया माजी? कोई भी यहाँ पे चेक करने नहीं आता, नहीं तो कॉर्पोरेटर भी नहीं आता है और विधायक भी नहीं आता है, कोई भी यहाँ देखने नहीं आता है कि कौन किस हाल में। और जब इलेक्शन आएगा उस वक्त में आएंगे और उस वक्त में आकर के वोट मांग करके चले जाएंगे और उसके बाद कोई नहीं आता है। ये यहाँ की परिस्थिति है। उस तरफ आप कैमरा घुमाइए, देखिए आपको गंदगी, देखिए इसमें बच्चे कहाँ खेलेंगे, और ये बीमारियों का घर है। मीटर मांगते मीटर वाले, लाइट वाले, मीटर लेने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं मीटर के, कि पैसे दो मीटर तब ना आएगी मीटर। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया मैंने, मोदी जी कहते हैं क्या कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? वही तो मन नहीं आवड़ती भ्रष्टाचार तो एक्चुअली है ही, भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं हुआ है। अगर जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाते थे गंदगी भी खत्म हो जाती बराबर। अब इनके पास पैसे नहीं है, बिजली जो है बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो इनसे 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपए ऐसा मांगते हैं कि भाई यहाँ का दंड है। अब ये तो अभी फिलहाल रहने आए तो इन्होंने मीटर नहीं है तो दंड कहाँ से आएगा इनके ऊपर? अच्छा एक बार बताइए, आप बताइए इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है? इस बार तो माहौल ऐसा लगता है साहब के अब ये भाजपा सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, अब ये सरकार नीचे है साहब, छिले 27 बरस से राज कर रही है, ये आपके सामने विकास है, वो बोलते विकास है, ये विकास गांडा हुआ, ऐसा गांडा हुआ है साहब, ये ऐसा है। गैस का बाटला आप कितने में लेते थे साहब? 300 रुपए में लेता है। बोले आपकी जो भी जॉब हो, मेरी जो भी जॉब हो, आपको भी 300 में पड़ रहा था, मेरे को भी 300 में पड़ रहा था। आज गैस का बाटला कितने का है? 1,060 रुपए का है। और ब्लैक में अगर किसी के इमरजेंसी चला गया तो ब्लैक में जब इमरजेंसी में रात को लेता है, किसी के घर गेस्ट आ गया तो 1200-1300-1400 रुपए में जैसा उसने उसके पास स्टॉक करके रखा है। अब ये ऐसा है हमारा विकास, हमारे देश का विकास। सरकार कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो उसके साथ साथ सैलरी भी तो बढ़ी है लोगों की। कौन सी सैलरी बढ़ी है साहब, बता दो आप मेरे को। उनकी मजदूरी बढ़ी है, पहले 1,050 रुपए मिलते थे, अब 500 रुपए मिलते हैं। चलो बता दो साहब मेरे को, सरकार के लोग हाँ चलो सरकार के लिए तो कुछ भी बताना है, वो तो कुछ भी बोलेगी साहब, उसके वो तो उसको लिखना है, उसको बताना है, दुनिया को बताना है, वो तो कुछ भी लिख सकता है। आज जी फॉर एग्जाम्पल मेरे को जैसा लिखना है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं तो मेरे हाथ से लिख लूंगा, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं इनकी हेल्प करता हूँ, ये मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को कुछ भी लिखना है, जो करना है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी है, राजा वो है साहब, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अच्छा मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि मैं तो सेवक हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवादार हूँ, मेरी क्या औकात, कैसा लगता है उनकी बात? अरे सेवादार है, आओ साहब के ना इधर आके खोदो, साफ करो, इधर सेवा करनी है तो इधर आओ। बड़े बड़े 8,000-9,000 के फ्लाइट जेट में अकेले आप घूम रहे हो, ये क्या सेवा, ऐसी कैसी सेवा, हमारे पैसों से आप घूम रहे हो, ये कोई सेवा हुई साहब? 8,000 करोड़ का एक वो प्लेन है, वो भी फाइटर जेट इनका बरोबर, इतनी सारी सिक्योरिटी क्या जरूर, जब सेवा है तो उसको सिक्योरिटी की इतनी सारी जरूर क्या है? आप ये मेरे को बताओ, ये देखो गंदगी, यहाँ रहना है बोले आप रोनो टोरेंट पावर बोलता है, 1,00,000 रुपया भरो, 1,50,000 रुपया भरो, और इनके घर का मीटर लेना है तो बोले कॉमन के भी पैसे भरो, उधर को म्यूनसिपालिटी के अंदर उधर जाओ, कॉर्पोरेटर की ये सही करा के लाओ, धारिया सभ्या की ये करा के लाओ, फिर वो टोरेंट पावर में भागो, ये ऐसी रोज सुबह में उठना है, रोज शाम को इस तरह ही सोना है हमको। सरकार कहती है कि हमने बीजेपी के राज में जो है सुशासन दिया है,
सुशासन आ गया है, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था, अब नहीं है, 27 साल में सब खत्म हो चुका है सारा। साहब मैंने मेरी आंखों से भ्रष्टाचार देखा है, अगर मेरे को बोले ये सरकार मेरे को चैलेंज करे तो मैं आके मैं इनको बताऊंगा कि तुम लोग ने कितना, कांग्रेस ने कितना करा, तुम लोग ने कितना करा, और मैं तुमको प्रूफ बताऊंगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो तुम लोग नहीं आए, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सब मालूम है साहब, इतिहास भी जानता हूँ, विज्ञान भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं, सरकार को भी जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ इन लोगों को मैं, कितना भ्रष्टाचार है इन लोगों के वहाँ, मेरे को पूरी तरह पता है, ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सरकार है सर। अच्छा आप कह रहे हैं कि इस बार सरकार से भाजपा से हाथ जोड़ गए। हाँ जी, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था 2017 में, लेकिन फिर से भाजपा आ गई। क्या हो गया है? काम मैं बताता हूँ, काम नहीं किया। हाँ, लेकिन जीत कैसे करते? मैं बता दू ना उसका हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं बोला होगा मैं फर्स्ट और ओनली वन मैन हूं मैं। आप लोगों ने आधार बनाया, आप लोगों ने आधार बनाया, इन्होंने आधार बनाया, मैंने आधार बनाया, मेरे 5 साल के बच्चे का भी आधार बनाया बरोबर, वो मेरे 5 साल के बच्चे का आधार है ना, हर 3 बरस के अंदर लिंक कराना पड़ता है, उसको अपडेट कराना पड़ता है उसको, तो पूरा डेटा, पूरा का पूरा डेटा भाजपा सरकार के पास है। आप वोट करो कि नहीं करो ऑटोमेटिकली उसको गिर जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है, मेरे 5 साल के बच्चे का, मेरे 3 साल के पोतरे का भी अपडेट कराने का हर 3 बरस के अंदर, क्योंकि सीधा वो सरकार को खबर पड़ रही है ये कितना, ये 3 बरस बाद कितने बरस का हुआ, वो 3 बरस बाद कितने बरस का हुआ, कितने कब 18 साल का हो गया, कब 20 साल का हो गया, ऑटोमेटिकली इसका उसका वोट वहां गिर जाएगा साहब। ये भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा देश का। आपने बड़ी नया अजीब बात बताई है कि ऑटोमेटिकली वोट गिर जाएगा, ऐसा होता तो विपक्ष गिर रहा है, क्योंकि आपका पूरा डेटा आप लोगों को पूरा हैक करके रखा है, पूरी इंडिया को हैक करके रखा हुआ है मोदी सरकार ने, पूरा हैक कर रहा है। आप वो जैसा आपका रिमोट है ना, आप लोगों का जितने भी कितनी 130 करोड़ की जनता ही है, पूरा रिमोट भाजपा सरकार के हाथ में है। तो फिर भाजपा हार क्यों जाती है अलग अलग राज्यों में? कहाँ नहीं दिखावा है, दिखावा है साहब, वो दिखावा है कि देखो हम यहाँ हार गए, हम यहाँ जीते, यहाँ हमको इतनी सीटें आई, वहाँ हमको इतनी सीट आई, ये है पॉलिटिक्स। किसको कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे गंदा गेम, वो ब्लू वेल थी ना, उससे भी गंदा गेम है ये पॉलिटिक्स। तो समाधान क्या है? समाधान देखो, अभी ये आप आए साहब, अभी आप चलाओगे बरोबर, ये भी खुश हो जाएंगे, मैं भी मेरी दिल की तसल्ली को दे दूंगा कि हाँ चलो कुछ आया, कुछ लोगों ने हमारी सुनी, आगे रजूआत करी, पर इन शॉर्ट में ये जो भी है, आप जो भी करोगे ना, आप मैं आपको बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि जनता को देख के किसी को सुना नहीं, आप लोगों को भी हैक कर देगा कि ये चीज आगे नहीं जानी चाहिए, मीडिया को भी रोक लगा देगी, बाय कर देगा मीडिया को रोक लगा देगी, बोलो सर, बाय कर देगा, हाँ आपको किसको बाय किया, इधर आके बताइए, किसको बाय किया, प्रेस को बाय कर देगा ना दादा, कितना पावर कितना है मोदी के पास आपको मालूम है ना? यहाँ पे कैसा मसला है, पैसा बोलता है, यहाँ पे पैसा बोलता है, गांधी चलता है यहाँ पे, वो कुछ भी कर सकता है, चरखा इस तरह हम चलाते हैं, देखो ये एरिया देखो, ये नोडेन है, ये बोलता है यहाँ पे, क्या बोलता है, यहाँ पे पैसा बहुत है, पर पॉलिटिक्स है सब, ये लोग खेल खेलते है राजनीति। हम भी देखो आंख में सी सुरमा काले वाले इंसान है, पर गलत नहीं करते, जिसका हमारे को लगता है उसका होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे गंदगी बोलते है, वहां पे भी देखोगे तुम ऐसा ही है, इसको श्रीलंका बोलते हो, उसको पाकिस्तान बोलते हैं, सबके नाम है अलग अलग, श्रीलंका बोलते उसको पाकिस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान भी एक इलाके को बोलते हैं, सुनिए पाकिस्तान है, ये बताइए आपको क्या बुरा नहीं लगता, क्या ये सब बोले जाता है? नहीं काय को लगेगा बुरा, यहाँ कुछ कर नहीं रहे तो क्या बुरा लगेगा मेरे को, तो और मेरे को ले जा रहे तो मेरे साथ भी गलत हो गया तो मैं थोड़ी देखूंगा, गलत हो गलत है, हाँ तो बराबर है ना यार, वो सही बोल रहा है ना दोस्त, गांधी बोलता है, वो पैसे ही बोल रहा है ना भाई, देखो अभी तुमने यहाँ देखो ये इतना 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 साफ किया, साफ करवाया इतना मोदी ने साफ करवाया, या वो स्वच्छ भारत ऐसा बोल रहा है, स्वच्छ भारत हुआ, सब औरतें जो जो घर में बैठी रही हुई है, उनके हस्बैंड भी घर पे बैठे हुए है, देखो वो बता रहा है बारी में काश्मीर, दिखाओ दिखाओ दिख रहा है काश्मी है, हाँ बराबर, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा करो भाई।